अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं की वजह से हम लोग भी ठीक हैं। तो मैंने अभी नमाज़ पढ़ ली और मैंने सोचा कि चलो अब तैयारी कर लेती हूँ इफ्तार की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी तो इफ्तार की, तो मैं अभी जा रही थी बनाने के लिए अंडा समोसा, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ जो कि बहुत टेस्टी है और बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो आप लोग देखिएगा बहुत कम टाइम में और बहुत कम चीज़ों से बन जाएगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैदा, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं डो लगा के रख दूँ तो उससे क्या है ना बहुत अच्छा समोसा बनता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे तेल डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा डालूँगी ना तो ये चूर हो जाता है और उसके अंदर ना तेल चला जाता है, तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं बस इतना सा। और अब इसे अच्छे से ना मैश करना है, इसे मिक्स करना है हाथ से इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे से मिल जाए इसमें तेल, और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेना है ठीक इस तरह से। तो ये मैंने रेडी कर लिया डो और अब चलिए तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 अंडा और उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 प्याज काटा है, बड़े साइज़ का प्याज था तो मैंने 2 प्याज लिया है। तो आप लोग देखिएगा अगर आप लोग जैसे बनाएंगे तो क्वांटिटी अंडे के हिसाब से कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं, तो मैं इतना ही बना रही हूँ तो मैं आपको इतना ही दिखा रही हूँ ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज और हरी मिर्च साथ में। तो इसे अच्छे से पहले फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो प्याज का कलर थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, तो मैं यहाँ पे फ्लेम को लो कर दूंगी ताकि प्याज जल ना जाए। और अब मैं यहाँ पे डाल दिया मैंने 1 अंडा और इस तरह से एक एक करके मैंने 4 अंडा इसमें डाल दिया है। और अब इसे यहाँ पे फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और इसे अच्छे से अंडे को पका लेना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये अंडा ना कच्चा ना रहे, इसके लिए ना अंडे का कलर चेंज होने तक, ब्राउन होने तक थोड़ा, मतलब जब तक अंडा पक जाए तब तक इसे हमें मिक्स करना है, चलाते रहना इसे अच्छे से। अब मैं यहाँ पर थोड़ा डाल रही हूँ नमक। अभी अंडा हमारा अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है। तो अभी मैं यहाँ पे काली मिर्च और नमक डाल दिया मैंने, 1/2 टीस्पून काली मिर्च लिया है मैंने यहाँ पे, और इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है, ज़्यादा मसाला नहीं जाता है। तो है ना ये बहुत ईजी और बहुत कम चीज़ों से बन जाता है, मेरा तो ये बचपन से ही फेवरेट है और अभी तक फेवरेट है। तो आप लोग एक बार इसे इस तरह से बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से करके फ्राई करने से क्या होता है ना कि इसमें अंडा जो है अच्छे से हमारा फ्राई हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अंडा का कलर चेंज हो गया है और ये अंडा अब अच्छे से पक चुका है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बारीक कटा हरा धनिया और इसे बस मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे धनिया भी अच्छे से मिक्स हो गया है और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो आटा जो मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था, तो ये यहाँ पे मैंने इसकी लोई बनाई और यहाँ इसे मैंने अच्छे से बेल लिया, बिल्कुल पूड़ी की जैसे बनाते हैं ना वैसे ही, उतनी बड़ा बेलना है इसे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उतने बड़ा मैंने इसे बेल लिया और थोड़ा थोड़ा करके इसमें अंडा
जो है वो हमें इसमें डालना है इस तरह से। और अब क्या होता है ना, कुछ लोगों का समोसा अक्सर ये होता है कि तेल चला जाता है अंदर, वो फट जाता है, तो इसे ना यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जब इसे हम लोग इस तरह से फोल्ड करते हैं ना, तो उस टाइम में ध्यान रखना है, ये अच्छे से बराबर में एकदम इस तरह से होना चाहिए जैसे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक इस तरह से। तो इससे क्या है ना कि अंदर में थोड़ा सा भी तेल नहीं जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा आपका समोसा, थोड़ा सा भी तेल नहीं जाएगा और हेवी नहीं लगेगा। और तेल जाता है ना तो फिर बिल्कुल अजीब सा हेवी हो जाता है वो, तो इस तरह से कीजिएगा, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी तेल नहीं जाएगा इसमें और ये खुलेगा भी नहीं इस तरह से। इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर दूंगी, देख सकते हैं आप लोग। और बहुत इजी हो जाता है ये इस तरह से ना। ये ऐसे है ना, बहुत इजी। बस यहाँ पे अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो बिल्कुल भी ये नहीं फटेगा और थोड़ा सा भी तेल नहीं जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह से मैं कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से पैक हो गया है। मुझे जहाँ पे लग रहा है कि कहीं निकल ना जाए तो मैं इसे एक बार फिर से कर दे रही हूँ इस तरह से, थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए। तो यहाँ पे तेल मैंने अच्छे से पहले गरम कर लिया है और गरम तेल में मैंने डाला है समोसा और इसे अब अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा फूला फूला बन रहा है ना, तो इसीलिए आटा मैंने पहले इसका रेडी कर लिया था। इससे ना बहुत ही अच्छा बनता है समोसा। आप लोग कैसे बनाते हो ज़रूर से बताना, और मेरे ये स्टाइल से भी एक बार घर पे ज़रूर बनाइएगा आप लोग, और अगर अच्छी लगेगी तो रेसिपी तो ज़रूर बताइएगा। पता नहीं क्यों रमज़ान में ना एकदम बहुत ज़्यादा तीखा तीखा खाने का दिल करता है। रोज़ा रखने के बाद फिर ऐसा लगता है कि सिर्फ तीखा चीज़ ही खाने को मिले, या तो पानी या शरबत तो अच्छा लगता है, पर जो कुछ खाने का मन होता है ना तो लगता है सिर्फ तीखा चीज़ होना चाहिए, स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें ना मैं हरी मिर्च मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं करेगा, बस हरी मिर्च को मैं कम ज़्यादा जैसे डाल सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना हरी मिर्च ज़्यादा डाला है क्योंकि मुझे हरी मिर्च मतलब तीखा बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए 4 मिर्च मैंने डाला है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो गया है ना। मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी और हमारा समोसा बन कर के हो गया है रेडी। तो ये देखिए कितने अच्छे से बना है, बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है दिखने में और कहीं से भी नहीं फटा है ये, और ना ही कहीं से तेल घुसा है इसमें, बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से मैंने समोसे को फ्राई कर लिया। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए इस रमज़ान में ये समोसा, और मैं फिर आप लोग के साथ एक और रेसिपी लेकर के आऊँगी जल्द ही इंशाल्लाह। तो इस तरह से मैंने सारे समोसे फ्राई कर लिए हैं और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा बना है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में, है ना। तो आप लोग इसे घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी मेथड है, आप लोग घर पर इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मेरे कहने से ज़रूर से ट्राई कीजिए, और तब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, या फिर और मैं कौन सी रेसिपी बनाऊँ आप इसे और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं
मुझे इजी हो जाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल आज के ब्लॉग में।